हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर्स CSNIT। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छा आप लोगों का हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम गया होगा। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो गया, जितने भी 6, 7, 8, 10 जितने भी क्वेश्चन आए थे हमारे लगभग 90% से अबव हमारा स्कोर रहा है, यानी कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का इंटरेस्ट है कि इस सब्जेक्ट में आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया और बहुत ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा, तो ये आप लोगों की कामयाबी है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब नेक्स्ट हम स्टेप पे चलेंगे और अगला जो हमारा एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम थोड़े दिन पहले कैंसिल हो गया था लीक होने की वजह से, हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम है, HP कॉन्स्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम है मेल कैंडिडेट्स के लिए, उस एग्ज़ाम की हम बात करते हैं जिसके अंदर टोटल आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं, इन 10 क्वेश्चंस में 100% स्कोर आपका कैसे हो सकता है, यानी कि ये सभी 10 क्वेश्चंस आपके कैसे सही हो सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उन स्टूडेंट्स को भी ध्यान से सुनना है, साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनको भी बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि फीमेल कॉन्स्टेबल की अगर हम बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर SI की अगर हम बात करते हैं, या फिर जुलाई अगस्त में जितने भी हमारे हरियाणा HSSC जितने भी एग्ज़ाम्स लिए हैं उन सभी में हमें थोड़ी सी सक्सेस मिली है, और जो कंटेंट हम पढ़ते हैं और जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। मानता हूँ काफ़ी लो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज़्यादा हाईफाई कंप्यूटर नहीं पूछा जाता, लेकिन उसको भी हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमें किस एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है दोस्तों हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा चैप्टर होता है, आप इसको एक टॉपिक भी बोल सकते हैं, जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। यहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हम बोलें तो पूछे जाते हैं, यानी कि 50% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें ये जानना होता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम जब स्विच लगाते हैं कंप्यूटर का, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जनरेट होती है और वायर के थ्रू जो प्रवाहित होती है और कंप्यूटर में आती है, उससे लेकर के और जो हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, हमें डेस्कटॉप दिखता है, हमें फर्स्ट विजिबल स्क्रीन दिखती है, वहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस है उसको हमें जानना होता है। तो कंप्लीट हम इसको बोल सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस, इसको अगर हम जान लेते हैं तो इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, बूट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, बूट सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स कैसे लोड होते हैं क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, रैम से जुड़े हुए क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, और आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहीं से आपके क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर हमें फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आता है। सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों के जो नॉर्मल आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपका यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप CPU बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, और फिर फर्दर सॉफ्टवेयर्स के अंदर काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, यूटिलिटीज़ क्या होते हैं आपके, और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। उसके बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट डिवाइड हो जाते हैं, कैशे मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, CISI क्या होता है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से रिलेटेड, या फिर आपके वर्ड लेंथ से रिलेटेड, या फिर आपके ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होगा, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल में हम स्टडी हमें करनी पड़ती है, किस किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनके अंदर पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, और किस किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के साथ साथ हमें थोड़ा सा डिटेल में जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना होता है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको HSSC एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर दोस्तों, आपका एक नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है, नंबर कन्वर्जन, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल आपका कन्वर्जन होता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके HSSC एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं।
इस तरीके से जो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल जो है वो पढ़ना होता है, साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पे इसकी जनरेशंस के बारे में पढ़ना होता है, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में, और उन जनरेशंस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे, उनके अंदर जो आपकी आईसी चिप्स थी, उसके अंदर जो आपके ट्रांजिस्टर्स थे, उसके अंदर जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स थे, इनको आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना होता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। एचएसएससी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपको देती है। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा हमें बुक्स कौन सी रेफर करनी है ताकि ये 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो सकें और चैनल को आपको किस तरीके से फॉलो करना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल का, जिसके अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। यहीं से आपको 10 में से 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, और जो आपका पीछे एग्जाम हुआ था मेल कॉन्स्टेबल का हरियाणा पुलिस का, उसमें यहां से क्वेश्चंस काफी देखने को हमें मिले थे। जब हम कंप्यूटर फंडामेंटल कर लेते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिक हम कर लेते हैं, देख लेते हैं हम रजिस्टर्स क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, बस के बारे में पढ़ लेते हैं, अपने सिस्टम बस होती है, कंट्रोल बस होती है, डेटा बस होती है, इन सभी के बारे में पढ़ने के बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, उसको हम DBMS के नाम से जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमें दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए एक टेबल के बारे में, टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, रिलेशन के बाद हमें इसके अंदर दोस्तों इसके कॉलम्स और रोज के जो नाम होते हैं उनके बारे में हमें इसमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ जो डेटा हम इसके अंदर डालते हैं उसको रिकॉर्ड क्यों बोला जाता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके हम स्कीमा और कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या होते हैं, कैसे काम होता है, डेटा मॉडल क्या क्या आपके पास होते हैं, आपका नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या होता है, या फिर आपका रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, आपका 2-tier आर्किटेक्चर क्या होता है, 3-tier आर्किटेक्चर क्या होता है, और कैसे कैसे डेटाबेस के ऊपर हमारे पास काम होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। और यहीं से आप लोगों को कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद आप लोगों को जो फोकस करना है वो DBMS के टॉपिक पे हमें फोकस करना है। DBMS के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, वो आता है नेटवर्किंग का टॉपिक। नेटवर्किंग के टॉपिक में आपको नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के जो टाइप्स होते हैं उनसे लेके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, या फिर इसके बाद आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इन सभी नेटवर्क टाइप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, इनकी रेंज के बारे में पता होना चाहिए, और इनसे जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर कैसे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो जुड़ते हैं, और इसके अंदर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो किस रेंज में जुड़ते हैं और कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमें नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए, हमें हब के बारे में पता होना चाहिए, हमें स्विच के बारे में पता होना चाहिए, हमें राउटर के बारे में पता होना चाहिए, वायर्ड और वायरलेस जितने भी मीडियम होते हैं नेटवर्किंग के, उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर हम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको टोपोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, आपकी बस टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, तो इन टोपोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपकी ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क पता करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, या फिर आपका एक्स्ट्रा नेट कैसे काम करता है। तो यही टर्म्स हैं जो आपका बेसिक जो सिलेबस एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस आप लोगों के साथ, साथ साथ आप लिखते जाइएगा, इन सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना होता है हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशल ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेबल के लिए, अभी कॉन्स्टेबल का एग्जाम बिल्कुल हमारे सर पर है, तो हमें इन टॉपिक्स को जो है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, फंडामेंटल DBMS और नेटवर्किंग करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, वो आता है आपका MS ऑफिस का कॉन्सेप्ट दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है MS ऑफिस का, जिसके अंदर हमारे पास जो पार्ट होता है एक MS एक्सेस होता है डेटाबेस के लिए, एक हमारे पास MS वर्ड होता है दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, एक हमारे पास MS Excel होता है दोस्तों स्प्रेडशीट पैकेज होता है, और एक हमारे पास पावर पॉइंट होता है दोस्तों जो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए होता है। इनको पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों वो होता है इनको प्रैक्टिकल देखने का और प्रैक्टिकल सीखने का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके होते हैं इन सभी के अंदर की जो आपकी टैब्स होती हैं उन सभी टैब्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, टैब्स के अंदर जो आपके जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इनके अंदर जो सभी कमांड्स होती हैं उन कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ उन सभी कमांड्स की जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उन सभी के बारे में हमें
पता होना चाहिए। और काफ़ी थोड़ा सा अंदर जाके अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर ये भी देखना पड़ता है कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है और इनके अंदर क्या क्या काम होते हैं, प्रेजेंटेशंस इनकी एक्सटेंशंस क्या क्या होती हैं, लेटर के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, या फिर डेटा के लिए, चार्ट्स के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, या फिर स्लाइड्स कहाँ पर होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें एमएस ऑफिस के अंदर पढ़नी होती है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। इसके बाद अगर आप एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, अगर आप लैंग्वेजेस वगैरह सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें पाइथन, आपकी सी और सी प्लस प्लस, इन सभी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर पाइथन की 4.5 घंटे की एक क्लास आप लोगों को मैराथन क्लास मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट पाइथन कराई हुई है, क्वेश्चन आंसर्स कराए हुए हैं। सी और सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, इनके एमसीक्यूज आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और थ्योरी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल करके ऑलरेडी आपके चैनल के ऊपर, फिनिशर्स चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं, तो आप वो चीजें जो हैं यहां से कवर कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल की जो चीजें हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं करने में तो कर सकते हैं, अदरवाइज एचएसएससी का कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, तो हमें नहीं पता एचएसएससी यहां से क्वेश्चन पूछेगी या नहीं पूछेगी, इसलिए हम इसको एक बार कर चुके हैं। आप लोग बोलेंगे तो हम इस चीज को दोबारा करने के लिए मैं रेडी हूं, बट उसके लिए आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो हैं कंप्लीट 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोग ठीक कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, और 100 क्वेश्चंस में से जो आपके 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे उनको अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट जो हमें कंप्यूटर के अंदर फॉलो करना है। इसके अलावा जो टॉपिक्स रह गए हैं काफ़ी, मतलब जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं टाइप्स के, भाई इन्वेंटर कौन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, किसको किसने किस चीज़ को कभी इन्वेंट किया था, या फिर जो हमारे चार्ल्स बैबेज वगैरह, वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर वगैरह जो रहे हैं उनके बारे में अलग से डिस्कशन होता है। साथ ही साथ डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में क्वेश्चंस एक दो बार पूछे गए हैं, वो कॉन्सेप्ट पहले ही करा दिया है, अभी कल परसों ही वीडियो आई थी तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को मैं इतना बता देता हूं कि अभी के लिए हमारी लाइव क्लासेस जो हैं उसका बहुत कम चांस है, उसके लिए आपको थोड़े दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, जो आपका 28, 29 और 31 तारीख को जो मेल कॉन्स्टेबल हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए कंप्यूटर के लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ और हम मिल के इस पेपर को आराम से क्रैक कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर उसके अंदर कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको कंप्यूटर के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, और कंप्यूटर में किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर जो लोगों का डर है और जो बच्चे पीछे रह गए हैं सब्जेक्ट की वजह से, एटलीस्ट उन बच्चों का भला हो सके। और कोई फीस पेमेंट आपको इसके लिए नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हमारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेंगी, तो आपको इस बात से घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसको शुरुआत करते हैं प्लान की एक अच्छे तरीके से, आप लोगों के लिए प्लान में बना रहा हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।